जैसा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा, सेम चीज को हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और यहाँ देखते हैं कि कैसे बेहतरीन तरीके से आप उस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं मेथड। तो हमने आपको बताया कि 1 प्लस समथिंग यहाँ दिया गया होगा, डिवाइड बाई समथिंग दिया गया होगा, हमें सबसे पहले चेक करना क्या इसका स्क्वायर रूट ये है। अगर है तो आपने कहा जो भी यहाँ पे वैल्यू लिखी इसका आंसर क्या होगा, तो आपका वैल्यू लिखा है रूट एक्स, तो रूट एक्स का मान क्या होगा, आपने कहा ये जो वैल्यू दी गई इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर कितना है 25, और इन दोनों का डिफरेंस कर दो, डिफरेंस कितना है 1, तो इसका मान हो जाएगा इतना। ठीक है, अगर आपका रूट एक्स का मान 25 इंटू 1 हो गया, तो बहुत सारे लोग गलती इसमें ये भी करेंगे कि एक्स का मान निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, जबकि यहाँ पे क्या करना है आपको स्क्वायर करना है। यहाँ पे एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा 25 का स्क्वायर, दैट इज 625। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की जो टेक्निक हमने आपको बताया।